हेलो एवरीवन, अगेन आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दिस इज़ अबाउट द ह्यूमन कैरियोटाइपिंग। एंड आप सबको पता है कि CSIR के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कैरियोटाइप वगैरह जो है आपका मॉलिक्यूलर बेसिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उन सब चीज़ों के अंदर आता रहता है, राइट। एंड जो बच्चे कॉलेज में हैं, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। नीट वाले बच्चों का ऐसे कोई खास लेना देना है नहीं है, बट देर इज़ वन टर्म इन योर लाइक 12th क्लास के चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ पर एक टर्म दे दी गई है कैरियोटाइप। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट आपको अभी डीप में नहीं जाना है। तो मैंने बता दिया ये किसके लिए है, ये आपके कॉलेज लेवल वाले स्टूडेंट्स के लिए है एंड द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द CSIR, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, कैरियोटाइपिंग और वैसे भी इन जनरल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू कि आपको इसको समझना चाहिए। इफ़ अगर आप लाइक बेसिकली बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए, कैरियोटाइपिंग की मैं बात करूँगी। सबसे पहले देखो होता क्या है, थोड़ा सा डीप चलते हैं इस टॉपिक के अंदर। हम सबको पता है कि हमारे पास एक सेल है एंड उस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज़ DNA, राइट। बिकॉज वी आर यूकैरियोट, तो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA प्रेजेंट है। एंड वो DNA जो है वो एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग होता है एंड हमारी जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो वेरी 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 स्मॉल होता है। तो इतने बड़े न्यूक्लियस, इतने बड़े DNA को इतने से न्यूक्लियस के अंदर पैकेट में रखना, पैकेजिंग फॉर्म में रखना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसीलिए वहाँ पे न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में आपके पास जो DNA है वो पैक रहता है एंड ये न्यूक्लियोसोम हिस्टोन और DNA के साथ बनता है एंड यही न्यूक्लियोसोम बाद में जाकर के क्रोमैटिन बनता है एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन सेल के अंदर, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। एंड अब उस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से भी अगर हम देखें तो हमारे पास वेरिएशंस है। कैसी वेरिएशन है, हमारे पास अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं तो इनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम हैं जो ऑटोसोम हैं, मतलब इनके पास सेक्स लिंक्ड कोई भी ट्रेट इंक्लूड नहीं होता है। एंड वन पेयर क्या है, वन पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम, इतना याद है, सबको पता होता है, बहुत बेसिक है। अब इस 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं ऑटोसोम, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, है तो ये भी क्रोमोसोम बट हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और जो ये वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इट इज़ नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। पेयर में है इसीलिए दो होंगे, तो सेक्स क्रोमोसोम भी दो तरह के हो सकते हैं, इधर इट कैन बी XX और इधर इट कैन बी XY, राइट। तो जो XX होगा वो मिलता है फीमेल के अंदर, फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है एंड XY जो मिलता है वो मिलता है मेल के अंदर। तो ये सब बच्चों को बहुत बेसिक चीज़ें पता होती हैं। अब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हमें पता है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नोन एज ऑटोसोम एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इसमें से भी अगर हम वाई क्रोमोसोम को बोलें तो वाई क्रोमोसोम हमारे पास एलोसोम होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एलोसोम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप बेसिकली क्या है, आपके पास इन क्रोमोसोम को अरेंज करना। हमें नहीं पता हमारी पूरी सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे अलाइन है, तो उन चीज़ों को अलाइन करा जाता है जब, तो बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। हम इसको क्लासिफाई करते हैं या हम इसको बेसिकली रखते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ रखा जाना चाहिए, वो हम डिफरेंट पैटर्न यूज़ करते हैं। लाइक हम तीन क्राइटेरियाज में मेनली फॉलो करते हैं, पहला कि क्रोमोसोम का साइज़ कैसा है, अगर बड़ा है तो बड़े उसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, अगर छोटा है तो उसको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। या फिर हम एक ग्रुप फॉलो करते हैं जिसके बारे में मैं बताऊँगी कि उसमें हम क्या करते हैं, बड़े से लेकर के छोटे की फॉर्म में अरेंज करते हैं कि जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले रखा जाएगा, जो सबसे छोटा है उसको सबसे आखिर में रखा जाएगा, मतलब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे कि साइज़ क्या क्या डिक्रीज़ हो रहा है। पहला तो हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं क्रोमोसोम को कि हमारी सेल के अंदर क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हैं, राइट। दूसरा कि क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है। अब ये सेंट्रोमियर क्या होता है, बेसिकली क्रोमोसोम क्या है, धागे हैं। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं यहीं पे डिटेल में, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ,
तो अगर मान लो दिस इज़ आर क्रोमोसोम, ये अगर मेरे पास एक क्रोमैटिन है और ये इसकी दूसरी क्रोमैटिन है यानी दूसरा धागा है, तो दोनों इस पोजीशन से अटैच हैं एंड दिस इज़ नोन एज सेंट्रोमियर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। और याद रखना ये सेंट्रोमियर हमेशा सेंटर पर नहीं होता है, ये सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर, सेंटर से थोड़ा नीचे, या फिर ये सेंटर जो सेंट्रोमियर है ये आपके एंड्स के ऊपर भी हो सकता है। उसके बेसिस पे चार डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं। अब ये कहा मैंने कि कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने हैं, दो क्राइटेरिया मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जब आप जो आपके क्रोमोसोम हैं उनको अरेंज करोगे तो पहला क्राइटेरिया ध्यान में रखोगे साइज, जिसका साइज बड़ा उसको सबसे पहले रखोगे। दूसरा क्राइटेरिया आप क्या फॉलो करोगे, सेंट्रोमियर की पोजिशन, कि जो सेंट्रोमियर है वो कैसे है। एंड थर्ड क्या फॉलो करने जा रहे हो आप, थर्ड फॉलो करोगे बैंडिंग पैटर्न, जो आपको अलग से मेरी वीडियो में एक क्रोमोसोम बैंडिंग है उस वीडियो में मिल जाएगा, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें क्या है, क्रोमोसोम बैंडिंग। ह्यूमन कैरियोटाइप से रिलेटेड ऑलरेडी दो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं, बट ये वीडियो मैं थोड़ा यूनिक बना रही हूँ इसलिए आप इसको ध्यान से देखना, क्रोमोसोम बैंडिंग, ठीक है। तो तीसरा पैटर्न आप फॉलो करोगे कि कौन सा स्ट्रेन देने पर क्रोमोसोम कौन सा स्ट्रेन रिटेन करते हैं, उस बेस पर हम इसको सेपरेट करते हैं। तो ये तीन चीज़ें समझ में आई आपको। अब क्यों ज़रूरी था, और कैरियोटाइप अब तक मैंने नहीं बताया क्या होता है। तो जब आप क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम की बात हो रही है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम को उनके साइज के बेस पे, उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे और उनके क्रोमोसोम बैंडिंग पैटर्न के बेस पर एक एक या तो डिजिटली एक कंप्यूटर पर आप उनको क्या करते हो, अरेंज करते हो, तब हम इसको बोलते हैं कैरियोटाइप, ठीक है। एंड या हम इसको बोल देते हैं, जो आपका इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कैरियोटाइपिंग, ये प्रोसेस हो गई कैरियोटाइपिंग। एंड जो बन के आता है उसको हम बोल देते हैं कैरियोग्राम, याद रखना जो बन कर के आया उसको हम बोल देते हैं कैरियोग्राम, ठीक। एंड अगर ये तो था कि आपने अपने क्रोमोसोम को डिजिटली मतलब किसी पीसी की हेल्प से आपने पूरे क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई किया एंड आपको उसके इमेजेस मिली और आपने उनको प्रिंट आउट किया एंड प्रिंट आउट करके आपने उनको साइज के बेस पे अरेंज कर दिया, दैट इज़ नोन एज कैरियोग्राम। बट देर इज़ अनदर डेफिनेशन, दैट इज़ रेडियोग्राम, मतलब आपने क्रोमोसोम खुद हाथ से ड्रॉ किए और उनको डिफाइन किया कि हाँ ये वाला बड़ा क्रोमोसोम है, तो आपने पूरा चार्ट लिया, उस पर बड़ा क्रोमोसोम पहले बनाया, छोटा क्रोमोसोम सबसे आखिर में बनाया और आपने उसी तरीके से क्लासिफाई किया, इसको हम बोलते हैं ईडियोग्राम। तो दोनों में डिफरेंस है, एक तो आप डिजिटली आप चीज़ें लेकर के आ रहे हो, जस्ट कट एंड पेस्ट कर रहे हो तो आपको मिलेगा कैरियोग्राम, लेकिन जब आप उसको हाथ से ड्रॉ कर रहे हो और आप एक पूरा पेपर रिप्रेजेंटेशन उसकी कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज ईडियोग्राम। मैं आपको भी बताती हूँ क्या बता रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो दूसरी ये चीज़ समझ में आई कि क्या होता है आपका बेसिकली कैरियोटाइपिंग और क्या होता है कैरियोग्राम, क्या होता है ईडियोग्राम। लेकिन ये भी पता चला कि इसको क्लासिफाई किस बेस पे करते हैं, तीन बेस पे, साइज, सेंट्रोमियर पोजीशन, क्रोमोसोम बेंडिंग। लेकिन क्यों करते हैं, करते क्यों हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई, तो एप्लीकेशन में आपको इसके डिटेल में बाद में बताऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना कि जब हम क्रोमोसोम को इस तरीके से पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हम डिजिटली इसको कट एंड पेस्ट कर रहे हैं, तो देयर विल बी सम मोटिव, हमारा कोई ना कोई तो मोटिव होगा जिसकी वजह से हमने ये काम किया है। एंड इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है कि अगर मान लो आपके 22 ऑटोसोम हैं एंड हमें पता है कि उनका साइज़ इतना होना चाहिए था, एंड अगर किसी अबनॉर्मल पर्सन के अंदर उसमें थोड़ा भी वेरिएशन हमें देखने को मिला, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्सन को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इन जेनेटिक डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर आ सकते हैं, या तो आपके पास मान लीजिए 18 नंबर का क्रोमोसोम था एंड 18 नंबर के क्रोमोसोम दो ही होंगे क्योंकि पेयर में होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाए तो हम बोल देंगे कि इसको एडवर्ड सिंड्रोम है। अगर एक एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए 21 क्रोमोसोम पे, तो हम बोल देंगे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है। मतलब बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, है ना। तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सारे सिंड्रोम, दीज आर ऑल आर द जेनेटिक डिसऑर्डर। इनको आइडेंटिफाई कैसे करेगा कोई बायोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेगा, बाय द हेल्प ऑफ कैरियोटाइप, इसके थ्रू, ठीक है। तो अब देखो ये है तुम्हारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है इसकी दो आर्म होती हैं, एक होती है छोटी आर्म जिसको हम बोलते हैं पी आर्म। पी आर्म कहाँ से लिया गया, पैटिट फॉर्म से लिया गया, पिटाइट बोल दीजिए, वहाँ से लिया गया है जिसका मतलब होता है शॉर्ट।
और ये होती है लॉन्ग आर्म, जिसको हम बोलते हैं क्यू आर्म. ठीक है, पी वर्ड लिया गया था, क्यू आर्म नॉर्मली रख दिया गया. शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म, अब जो दोनों इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर. ये कहाँ पे जुड़ी हुई है? सेंट्रोमियर पे, एक दूसरे से ये जुड़ी हुई हैं. अब अगर आप इसको रेप्लिकेट करवा देते हो तो आपको इसकी दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती हैं, जिनको हम बोल देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड. क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट से अटैच होती हैं, इसलिए हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं. एंड इस सिस्टर क्रोमैटिड के जो आपका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के चारों तरफ एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं नीटोकोर, जो कि आपकी सेंट्रियोल जो होती है ऑर्गेनिल, उसके थ्रू डेवलप होता है. ये नीटोकोर वो स्ट्रक्चर होती है जहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और इन दोनों क्रोमैटिड को सेपरेट कर देते हैं ड्यूरिंग द डिवीजन, सेल डिवीजन, राइट. खैर अभी उसकी बात नहीं करते हैं. अब मैंने कहा था आपको कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे आपके पास चार तरह के क्रोमोसोम होते हैं. तो सेंट्रोमियर की जब पोजीशन की बात करते हैं तो उसके बेस पे हमारे पास चार डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम होते हैं. पहला होता है मेटासेंट्रिक, मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो जो सेंट्रोमियर है वो कम्प्लीटली सेंटर के अंदर है, मतलब सेंटर पे है जो आपका सेंट्रोमियर है. इसका मतलब दोनों आर्म्स क्या हैं? इक्वल हैं, आइसोबाइलेटरल हम इसको बोल देते हैं. मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में 12th क्लास के बच्चों के लिए आता है, ये इनहेरिटेंस में भी आता है. सब मेटासेंट्रिक की बात करोगे तो मतलब आपका जो क्रोमोसोम है वो कम्प्लीटली सेंटर पे तो नहीं है, लेकिन हाँ सेंटर से या तो थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे हो सकता है ना. इसकी वजह से एक आर्म थोड़ी और छोटी हो जाती है और एक आर्म थोड़ी और बड़ी हो जाती है. एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? जो आपका एंड्स हैं, ये आपके एंड हैं क्रोमोसोम के, जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल इनके पास पहुंच गया है, इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक. और टीलोसेंट्रिक क्या होता है? जब कम्प्लीटली सेंट्रोमियर एंड्स पे पहुंच जाता है तो हम उसको टीलोसेंट्रिक बोलना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे मेटासेंट्रिक पे अगर आप इसको सेंटर से पकड़ लोगे तो शेप कुछ ऐसी दिखाई देगी, इसको हम बोलते हैं वी शेप. सब मेटासेंट्रिक पे अगर आप इसको पकड़ लोगे सेंट्रोमियर से तो आपको शेप दिखाई देगी जे शेप. और जब आप एक्रोसेंट्रिक को पकड़ोगे तो शेप दिखाई, सॉरी यहाँ पे आपको शेप दिखाई देगी एल शेप, एल शेप. और जब आप इसको यहाँ से एक्रोसेंट्रिक में पकड़ोगे तो आपको शेप दिखाई देगी जे शेप. और इसी तरह जब टीलोसेंट्रिक पे पकड़ोगे तो आपको शेप दिखाई देगी आई शेप. तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी होती हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन. अब हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने क्या किया, फ्लेमिंग एक डाई यूज़ की और उस डाई के बेस पे इन्होंने देखा कि क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाई को ज़्यादा रिटेन कर लेता है और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाई को कम रिटेन करता है. जो ज़्यादा रिटेन करता है उसका कलर डार्क हो जाता है और उसको हम बोल देते हैं हेट्रोक्रोमैटिन पोर्शन ऑफ डीएनए, जो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है. और इसी तरह जो पोर्शन आपके पास डाई को कम रिटेन करता है उसको लाइट क्रोमोसोम बोल देते हैं, लाइट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन. और उस एरिया को फंक्शनल एरिया ऑफ क्रोमोसोम बोला जाता है, क्योंकि वही एरिया ऐसा होता है जो कोडिंग करता है या कोड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये क्रोमोसोम जो तुम देख रहे हो, ये क्रोमोसोम तुम्हारे पास है मेटासेंट्रिक क्रोमो, बेसिकली हम इसको मेटासेंट्रिक भी बोल सकते हैं क्योंकि सेंटर में आपको सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है ना. और ये कौन सी फेज में दिखाई देता है? ये आपको दिखाई देगा मेटाफेज में. जब सेल डिवीजन होती है तो चार फेज होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना. तो उसमें सबसे पहले मेटाफेज में आपको जो क्रोमोसोम दिखाई देता है उसकी मॉर्फोलॉजी को आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो. तो ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हो ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, क्योंकि इसमें बहुत ही थिक है, कंडेंस है. एंड इसमें आपको दो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, जो ये डार्क वाला पोर्शन है, दिस इज द रीज़न जो आपका सेंट्रोमियर के अराउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये डार्क है. इसके अलावा टीलोसेंट्रिक एरिया आपको देखोगे तो दोनों क्या हैं, ये डार्क हैं. यहाँ लास्ट में भी आप देखोगे तो ये भी डार्क है. इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्या है, इन्होंने ज़्यादा स्टेन को रिटेन किया है. एंड इस पोर्शन को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, दिस पोर्शन इज नोन एज हेट्रोक्रोमैटिन विच इज़ मोर कंडेंस्ड. एंड यहाँ पर जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं, मिथाइलेटेड होते हैं. मिथाइलेटेड डीएनए जो होता है वो फंक्शनल नहीं होता. एंड जीन पुअर होते हैं, हाई एडेनिन और थायमिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड दे स्टेन्स डार्कर, दिखाई भी दे रहा है, राइट. यू क्रोमैटिन जो होते हैं दे आर लेस कंडेंस्ड एंड दे आर जीन एक्सप्रेसिंग, मतलब ये ऐसे रीजन होते हैं जो क्या करते हैं, दे कोड फॉर समथिंग, ये किसी चीज़ के लिए कोड करते हैं. एंड ये जीन से रिच होते हैं, बहुत सारे जीन यहाँ पर होते हैं, हाई जीसी कंटेंट होता है एंड दे स्टेन्स लाइट, दैट्स वाई दे शोज लाइटर इन कलर, राइट. प्रोसेस क्या होती है कैरियोटाइपिंग की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. प्रोसेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले आपने मेटाफेजिक क्रोमोजोम लिया,
मेटाफेज इज द ओनली स्टेज इन द सेल साइकिल व्हेन द क्रोमोसोम्स आर अनडुप्लीकेटेड, मतलब अभी तक क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट नहीं हुए हैं, एंड लाइन अप अलोंग द इक्विटोरियल प्लेट ऑफ द स्पिंडल। जिन बच्चों ने सेल साइकिल पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि आपके पास जो सेल होती है उसमें सेल डिवीजन में जो सेकंड फेज आती है उस फेज में सेंटर पे एक लाइन बनती है जिसको हम इक्विटोरियल लाइन बोलते हैं या मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम सेंटर से यहाँ पर आकर के क्या हो जाते हैं, इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं खुद को। जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं पोजीशन पर, ठीक है। व्हेन द क्रोमोसोम्स आर अनडुप्लीकेटेड एंड द लाइन अप अलोंग द इक्विटोरियल प्लेट ऑफ द स्पिंडल, अब स्पिंडल फाइबर यहां से सेंट्रियोल होते हैं, यहां से स्पिंडल फाइबर आकर के इसके साथ अटैच हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर इसके साथ आकर के अटैच हो जाते हैं। द क्रोमोसोम आर इजियर टू सी व्हेन दे आर इलोंगेटेड एंड अनकंडेंस्ड, तो ऐसा कहां होता है, ऐसा मेटाफेजिक क्रोमोसोम में ही होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपका वेनस ब्लड लिया जाता है एंड उसके अंदर फाइटोहीम ए ग्लूटनिन को ऐड किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो बेसिकली आपका कोएगुलेट ना करे, एंड उसको कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाया जाता है। कल्चर मीडिया में 37 डिग्री सेल्सियस पर उसको 3 दिन के लिए रखा जाता है, उसमें कोल्चिसिन ऐड किया जाता है। कोल्चिसिन क्या होता है, एक माइटोटिक इनहिबिटर होता है, मतलब ये डिविजन को रोक देता है। माइटोटिक इनहिबिटर ऐड कर दिया जाता है एंड इसके बाद इसमें एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ऐड करके सेल्स को फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के लिए आप इसमें एक फिक्सेटिव ऐड करते हो जो कि क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एंड नाउ जो आपने सेल ली है, अब वो सेल जो है मेटाफेजिक कंडीशन में होगी, मैन के मेटाफेज के क्रोमोसोम होंगे उसमें, तो आप उस सेल को क्या करोगे, एक पर्टिकुलर हाइट तक लेकर के जाओगे और उस हाइट से उसको क्या करोगे, प्रेशर के साथ ड्रॉप डाउन कर दोगे स्लाइड के ऊपर। तो नीचे स्लाइड है, ऊपर आप अपने सैंपल की सेल्स को लेकर के गए जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम मेटाफेजिक कंडीशन में थी, माइटोटिक इनहिबिटर डालने के बाद और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐड करने के बाद, और आपने क्या किया, उसको ऊपर से प्रेशर के साथ नीचे डाल दिया। अब वो पूरी स्लाइड के ऊपर फैल गई है, ठीक है। तो स्प्रेड सेल्स ऑन टू स्लाइड बाय ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग से आपने क्या किया, उसको फैला दिया। अब आप उसको जिम सस्टेन करोगे बाय डाइजेस्टिंग देम विद ट्रिप्सिन। आपने पहले ट्रिप्सिन ऐड किया, ट्रिप्सिन ताकि जितना भी प्रोटीन इसके साथ था वो सारा डाइजेस्ट हो सके, एंड फिर आपने उसको जिम्सा स्टेन किया। जिम्सा स्टेन जब आप करते हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जी बैंडिंग। और अब आपने अपने एनालाइज किया है मेटाफिजिक क्रोमोसोम को जो कुछ इस तरीके से अपियर हो रहे हैं, ये हैं आपके सारे मेटाफिजिक स्प्रेड। तो सारी सेल्स मेटाफिजिक स्टेज में थी तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, एंड अब आप उनको जो सेल्स के अंदर जितने भी क्रोमोसोम थे उस, क्योंकि मेटाफिजिक तो स्टेज है ना सेल साइकिल की, तो उसमें जितने भी 46 क्रोमोसोम है वो आपको कुछ इस तरीके से अलाइन दिखाई देंगे, जिसमें 3 एक ग्रुप में, 2 एक ग्रुप में, और इस तरीके से 7 एक ग्रुप में, 3 2 इस तरीके से ग्रुप में रहेंगे। एंड दिस स्टेज इज नोन एज कैरियोटाइप, और ये आपने ऑब्टेन कैसे किया है, बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आप इसको यूज करते हो। अब ये तो था स्प्रेड अरेंजमेंट, ये देखो ये तुम्हारे पास आ गया जब आपने सेल्स को ड्रॉप डाउन किया तो स्पीड से, तो आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिली, ठीक है। फिर आपने उसको अरेंज किया, जब अरेंज किया तो बड़े क्रोमोसोम ये रहे, फिर उसे छोटा, इस तरीके से आपने उसको डिफरेंट क्लासिफाई किया, और नंबर इसके नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 7 8। मैं इसकी बड़ी प्रोफाइल आपको दिखाऊंगी। लास्ट में क्रोमोसोम देखो, वाई वाला क्रोमोसोम कितना छोटा सा क्रोमोसोम है। अब ये चीज़ें दोबारा रिपीट हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे किया गया। तो जब आप इसको क्लासिफाई करते हो कि कौन सा क्रोमोसोम कौन से ग्रुप में रखा जाना चाहिए, तो उस बेस पे सेवन ग्रुप बनाए गए हैं, और ये क्लासिफिकेशन किस सिस्टम के बेस पे किया गया है, डेनवर क्लासिफिकेशन के बेस पे हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिसमें 1 2 3 क्रोमोसोम को आप रखते हो ग्रुप ए के अंदर जो लार्ज है जिनका साइज, 4 एंड 5 को रखोगे ग्रुप बी में जिनका साइज अगेन लार्ज है, 6 7 8 9 10 11 12 एंड एक्स क्रोमोसोम को जब आप प्रिंट करोगे तो एक्स क्रोमोसोम को इनके साथ रखोगे थर्ड ग्रुप में या सी ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, और इनका साइज मीडियम होता है। 13 14 15 को रखोगे मीडियम में ग्रुप डी में, 16 17 18 को रखा जाता है रिलेटिवली शॉर्ट ग्रुप है, बहुत छोटे होते हैं साइज में इनके कंपेरिजन में, और ग्रुप ई में आप इसको रखते हो 19 और 20 को रखोगे ग्रुप एफ के अंदर, एंड 21 22 एंड वाई क्रोमोसोम को हम रखेंगे ग्रुप जी के अंदर जो छोटा होता है। एंड अगर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देखोगे तो फर्स्ट की होती है मेटासेंट्रिक, जितने भी क्रोमोसोम इसमें रखे जाएंगे वो सारे मेटासेंट्रिक होंगे। उसके बाद 4 5 सब मेटासेंट्रिक यानी सेंटर से थोड़ा सा ऊपर सेंट्रोमियर होगा। फिर इस ग्रुप में ग्रुप सी में आएंगे सब मेटासेंट्रिक, ग्रुप डी में एक्रोसेंट्रिक,
तो आपको पता चल गया होगा, ये देखो मेटासेंट्रिक सेंटर पे है, दोनों आर्म्स इक्वल हैं, इसमें एक आर्म छोटी एक आर्म और बड़ी है, इसमें आपके पास एक आर्म बहुत ही छोटी है एक आर्म बहुत बड़ी है, और इसमें तो एक ही आर्म है दिखाई दे रही है जो बहुत बड़ी है। उसके अलावा ग्रुप एफ में आएगा मेटा और सब मेटासेंट्रिक, ग्रुप जी में आएगा एक्रोसेंट्रिक, आपको इसको याद करना होता है। एंड ये क्लासिफिकेशन कौन सा है, डेनवर क्लासिफिकेशन। डेनवर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी प्रोफाइल आ गई जिसको हम बोलते हैं टैम्पलेट। अब ये जो टैम्पलेट आया ना पेस्ट करने के लिए, जो मैंने लिखा हुआ है कि आप बनाओ डिजिटली और टैम्पलेट को लेकर के आओ, तो नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। एक्स वाई को आप इस तरीके से अलग भी रख सकते हो। तो जो ये टैम्पलेट आया, आप क्या करो, इसको उठाओ, कट करो यहाँ से और अपनी फाइल में चिपका सकते हो। तो ये चीज़ होती है कि कैरियोग्राम बना रहे हो आप, दिस इज़ योर कैरियोग्राम एंड द प्रोसेस इज नोन एज कैरियोटाइपिंग, दिस इज़ योर कैरियोग्राम, ठीक है, कैरियोग्राम, जिसमें आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो मेटाफिजिक क्रोमोसोम की। और जो आपके पास ईडियोग्राम है, ईडियोग्राम आप क्या करते हो, इसको खुद से लेबल करते हो, ये कैरियोग्राम दिखा रखा है। एक्चुअली होता क्या है, समटाइम हम कैरियोग्राम और ईडियोग्राम को सेम मान लेते हैं, बट कॉलेज लेवल में टीचर आपको बताएंगे कि जब आप इसको हैंड रिटन करते हो, मतलब हाथ से रिप्रेजेंट करते हो, देन इट इज़ योर ईडियोग्राम। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आपको इसको क्या करना होता है, कट एंड प्रिंट करना होता है। अब जो मैंने कहा था ना कि आप थर्ड क्राइटेरिया फॉलो करोगे, कि बेंडिंग पैटर्न फॉलो करोगे, कि कौन सा क्रोमोसोम कौन सा स्ट्रेन लेता है, तो उसके बेस पे चार पांच तरह की बैंडिंग होती है। एक होती है जी बैंडिंग, एक होती है क्यू बैंडिंग, आर बैंडिंग, सी बैंडिंग। मैं डिटेल में इसके बारे में नहीं बता रही हूँ, लिंक दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा क्रोमोसोम बैंडिंग का, वो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो, राइट। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम कैसी दिखाई देती है, लाइक जी बैंडिंग है तो आप इसमें किसके साथ ट्रीट करोगे, जिम्सा स्ट्रेन के साथ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जी बैंडिंग, जिम्सा स्ट्रेन इसमें आप ऐड करने वाले हो। फिर आपको डार्कली स्टेन जी बैंड दिखाई देंगे। क्यू बैंडिंग में आप क्या यूज़ करते हो, क्यू बैंडिंग में आप यूज़ करते हो क्विनेक्राइन, एक डाई होती है क्विनेक्राइन, आप ये यूज़ करते हो। फिर आपको कुछ और तरीके के ब्राइट फ्लोरोसेंट बैंड दिखाई देते हैं अपॉन यूवी लाइट, राइट। आर बेंडिंग में आप क्या करते हो, जिम्सा स्ट्रेन के साथ ही करते हो, लेकिन आप इसमें टेम्परेचर हाई रखते हो, हीट करते हो मेटाफेजिक स्प्रेड्स करने के बाद। और जो आपको क्रोमोसोम दिखाई देते हैं वो डार्कली स्टेन्स आर बेंड दिखाई देते हैं। सी बेंडिंग में आप बेसिकली क्या करने जा रहे हो, इसमें आप फिर से क्या करोगे, इसको आप केमिकली ट्रीट करोगे, इसलिए हम इसको सी बेंडिंग बोलते हैं। मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम होंगे इनको केमिकली करोगे ट्रीट, और फिर जिम्सा स्ट्रेन से क्या कर दोगे, जिम्सा से स्टेन कर दोगे, जिम्सा इज अ डाई, और फिर आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो मतलब इस तरीके से कहीं कहीं बैंडिंग दिखाई दे रही है, कहीं पे एक ही जगह पे आपको बैंड दिखाई दे रहा है, तो ये सारी क्रोमोसोम बैंडिंग है। आप उस लिंक को ज़रूर देखना, मतलब जो वीडियो मैं आपको भेजूंगी वो ज़रूर देखना नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में रहेगा। दिस इज़ अगेन योर कैरियोग्राम एंड ईडियोग्राम, दिस इज़ योर पॉलीटिन क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम के ऊपर मेरी एक पॉपुलर वीडियो है, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, मैं दोबारा से आपको बोल रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि मेरा मेन मोटिव आज के इस वीडियो में कैरियोटाइप को समझाना था, तो इसलिए मैंने इस पर जोर नहीं दिया है। पॉलीटिन क्रोमोसोम की अगर थोड़ी सी बात करूँ, तो जो आपका एक बेसिकली क्या होती है, कायरोनोमस लार्वा होता है, तो उस कायरोनोमस लार्वा के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या रहता है, एक क्रोमोसोम रहता है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग क्रोमोसोम, एंड उसमें आपको बहुत सारे पफ देखने को मिलते हैं, जिनको हम बालबियानी रिंग भी बोलते हैं, एंड वो डिफरेंटली स्टेन्स होता है। इस तरीके से आपको उसमें चार क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, चार डिफरेंट क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मतलब 2n होता है, 8 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 4 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, एंड इसको हम पॉलीटिन क्रोमोसोम बोलते हैं। बार बॉडी की अगर बात करें, तो बार बॉडी इज़ बेसिकली अ टेस्ट जो कि आपका बक्कल स्मियर टेस्ट होता है, मतलब आपने माउथ के अंदर से आप अपना जो स्मियर है उसको लेकर के स्लाइड पे स्प्रेड कर दीजिए, और उसमें आपको फीमेल अगर आप हो तो आपको अपनी जो स्प्रेड किया आपने स्मियर, उसके अंदर आपको क्रोमोसोम में एक्स बॉडी दिखाई देगी, और अगर आप मेल हो तो आपको एक्स बॉडी नहीं दिखाई देगी। कहने का मतलब है, सपोज अगर फीमेल है तो फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर एक्स वाई होते हैं, राइट। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। अब हमेशा याद रखना कि एक एक्स हमेशा इनएक्टिव रहता है, एक एक्स हमेशा इनएक्टिव रहता है। तो जो फीमेल होगी, फीमेल के अंदर एक एक्स इनएक्टिवेट हो गया, लेकिन एक एक्स तो दिखाई देगा ना, लेकिन जो मेल है उसके अंदर तो सिंपली एक एक्स ही होता है, जो इनएक्टिव हो गया तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब जो एक एक्स है वो बार बॉडी की तरह काम करेगा, जो सिर्फ फीमेल में दिखाई देगा, मेल में दिखाई नहीं देगा। बार बॉडी क्या है, इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम इनएक्टिव हो चुका है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बच जाता
ज़्यादा है वो दिखाई देता है फीमेल में ही दिखाई देगा. एंड दिस इज़ एप्लीकेशन ऑफ कैरियोटाइपिंग जिसमें आप क्रोमोजोमल एब्रिएशन, एब्रिएशन का मतलब होता है किसी तरह की एबनॉर्मैलिटी, जैसे कि क्रोमोजोम था बड़ा एंड वो डिलीट हो गया, उसका कुछ पार्ट डिलीट हो गया या उस क्रोमोजोम में कुछ पार्ट ऐड हो गया, क्रोमोजोम डुप्लीकेट हो गया, क्रोमोजोम कम्प्लीटली डिलीट हो गया, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो उसको हम बोलते हैं एब्रिएशन. आइडेंटिफाई लॉस एंड एडिशन ऑफ क्रोमोजोम, एन्यूप्लॉइडी हो गई है, पॉलीप्लॉइडी हो गई है, कोई क्रोमोजोम ज़्यादा आ गया है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम आने थे, मतलब 46 होने चाहिए थे, 47 हो गए हैं जैसे क्लीन फिल्टर में होता है, 43 होने चाहिए थे, 42 हो गए, सॉरी 46 होने चाहिए थे, 44 हो गए हैं, टर्नर सिंड्रोम में होता है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी, ये आप कैरियोटाइप के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, सपोज कर लो ये था, मान लो है ना, इस क्रोमोसोम में आपको दो क्रोमोसोम मान लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चलो थोड़ा बड़े वाला देखते हैं, हाँ मान लेते हैं यहाँ पे 21 वाले में आपको दो ही ऑटोसोम दिखाई, मतलब दो ही क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, अगर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा आ जाता ना तो इसका मतलब आपको ये इजीली ऑब्जर्व हो जाता, इसका मतलब उस बंदे को कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई करते हो. अब यहाँ पे ये था आइडेंटिफाई लॉस एंड एडिशन ऑफ क्रोमोसोम. इसके अलावा आप रिस्क ऑफ इंडिविजुअल को डिटरमाइन कर सकते हो कि वो कितने हाई रिस्क पे है, लो रिस्क पे है. एन्यूप्लॉइडी वही कि अगर आपका एक कम हो गया है, जैसे टर्नर सिंड्रोम में होता है. प्री बर्थ डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिजीज, कि आप पहले से ही अगर जेनेटिकली सैंपल को चेक कर लेते हो बाय यूजिंग कैरियोटाइप, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है. इवन वी कैन डू जेंडर आइडेंटिफिकेशन, अगर फीमेल होगी तो बार बॉडी दिखाई देगी, अगर नहीं होगी तो मतलब मेल होगा तो उसमें बार बॉडी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा. तो बाय दिस मैकेनिज्म वी कैन इवन आइडेंटिफाई द जेंडर, बट इट इज़ नॉट लीगल इन इंडिया. तो एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस के अंदर ये सब चीज़ें की जाती थी, इसलिए एमनियोसेंटोसिस को बैन कर दिया गया है. ठीक है, इसके अलावा हम क्रोमोसोम की पेंटिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक दैट इज़ अ फ्लोरोसेंट इंसिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. एंड इसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. जब आप इसको डिजिटली देखोगे बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं. देखो ये वाला क्रोमोसोम ध्यान से देखना, इसमें एक आर्म ये वाली है और एक आर्म ये वाली है जो सेंट्रोमियर से अटैच है. इसी तरह कोई और क्रोमोसोम उठा लो, सपोज ये वाला उठा लो, ये एक है और एक ये है, तो आपने इसमें कलर दे दे करके डिफरेंट क्या कर दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है लोकेशंस को, या फिर मतलब आपने अपने क्रोमोसोम को चेक किया है. एंड दिस इज़ योर कैरियोटाइप एक्टिविटी. आप इसको घर पे परफॉर्म कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है. आपको अपनी फाइल में बनानी होती है, आपको सिंपली कैरियोटाइप लेकर के आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करके कैरियोटाइप का प्रिंट निकालना होता है, एंड देन आप उसको कॉपी पेस्ट करते हो. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सारा बताया कि किस तरीके से हम कैरियोटाइप को पता लगा सकते हैं. आई होप आपको ये पसंद आई होगी. एंड जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज रहेंगी वो मैं नीचे लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे. आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, आपको डिफरेंट वीडियोज के लिंक भी मिल जाएंगे मेरे ही चैनल के जो इससे रिलेटेड हैं. एंड आप टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती हैं. जो भी वीडियोस हैं, जो भी हैं, उनकी प्लेलिस्ट डिफरेंट रहने वाली है डिफरेंट टॉपिक के लिए. अगर आप कोई टॉपिक मुझसे चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वाला टॉपिक चाहिए, ताकि मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना सकूँ. ठीक है, थैंक यू.